जय गुरुदेव मित्रों, मित्रों GBS पामिस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शनि पर्वत पर जाल का चिन्ह किस प्रकार और कैसा होता है, आज उसी के परिणाम को हम देखने वाले हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि शनि पर्वत पाम में कहाँ पर होता है। तो ये देखिए, ये आपकी मिडल फिंगर होती है, ये आपकी मिडल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये पर्वत है, ये जो स्थान है, ये आपका शनि पर्वत होता है। अब यहाँ पर अगर आपको जाल का चिन्ह दिखाई दे, जाल का अर्थात ये है कि आपकी सीधी रेखा हो यहाँ पर और ये कुछ आड़ी रेखा हो और ये सब मिलकर इस प्रकार से वो आपका जाल का चिन्ह आपका बनेगा। तो अगर इस प्रकार का चिन्ह आप देखते हैं तो ये देखिए, ये एक चिन्ह शनि पर्वत पर अशुभ चिन्ह माना जाता है, नेगेटिव साइन है। तो ये क्योंकि शनि का जो पर्वत होता है, क्योंकि यहाँ से जैसे आपकी भाग्य रेखा यहीं पर आकर मिलती है, मतलब अगर मणिभद्र से अगर जो रेखा शनि पर्वत पर जाए उसको भाग्य रेखा, ये एक भाग्य का स्थान है। और तब जो यहाँ पर जब ये चिन्ह आ जाता है तो ये भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देता है, अर्थात अब व्यक्ति को काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है इस चिन्ह के कारण। तो क्या क्या व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति देखिए शनि के प्रभाव में, अगर शनि अच्छा होता है तो व्यक्ति को बहुत मेहनती बना देता है, लेकिन यहीं इस चिन्ह के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है, अपने काम के लिए टाल मटोल करता रहेगा और उसको मतलब काफ़ी चिंतित रहता है, चिंता सताती रहती है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड कह सकते हैं आप उसको, निराशा हाथ लगेगी क्योंकि उसका कोई काम बनता बिगड़ जाता है, इस प्रकार आप समझ लीजिए। तो जिसके कारण उसके काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, काम ढंग से समय पर नहीं पूरा कर पाता, उस तरीके का प्रभाव कह सकते हैं। और इन्हीं सब कारणों से वो व्यक्ति काफ़ी उदासीन प्रवृत्ति का हो जाता है, उसका ऐसा स्थिति बन जाती है कि उसका काम करने का ही मन ना करे और किसी से, अब जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति चला जाता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति में जा रहा है, तो फिर वहाँ पर आप देखते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एबिलनसार हो जाते हैं, अर्थात उनका मन किसी ना किसी से भी मिलने का नहीं करता और वो व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाते हैं, मतलब अकेला रहना फिर वो व्यक्ति पसंद करता है। तो कुछ इस प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है। और यहाँ पर एक ये रहता है कि जब इस प्रकार का प्रभाव आ जाता है जाल का चिन्ह, तो ऐसा व्यक्ति मतलब व्यक्ति कल्पना बहुत अधिक करता है, बहुत अधिक कल्पना करता है, व्यक्ति सोचता रहता है, कल्पना करता रहता है और वो सोचता है कि बिना कुछ करे मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यक्ति की बुद्धि बन जाती है, ऐसे व्यक्ति अपना स्वभाव बना लेता है, इस प्रकार की सोच व्यक्ति की बन जाती है। साथ ही व्यक्ति या तो शकी स्वभाव का होगा, या तो जो जिस व्यक्ति के शनि पर्वत पर जाल का चिन्ह है, या तो व्यक्ति स्वयं से शकी स्वभाव वाला होगा, अन्यथा दुनिया उसको संदेह की दृष्टि से देखती होगी, एक सस्पिशियस पर्सनैलिटी उसकी हम कह सकते हैं और व्यक्ति थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब इन सब जो बातें आपको बताई हैं, इन सब कारणों से जब व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है तो कभी ना कभी व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, मतलब कि व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण भी नहीं रख पाता, तो इस तरीके का प्रभाव भी देखने को मिल जाता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति भी मतलब जो होती है एग्रेसिव नेचर भी वहाँ पर उसका बढ़ जाएगा, तो वो भी देखने को मिलेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी से जो संबंध होगा, अब इसके लिए देखिए जीवन साथी से संबंध के लिए थोड़ा बृहस्पति पर्वत पर भी विचार कीजिएगा, ये भी देखने को मिलेगा कि भाई जीवन साथी से यहाँ थोड़ा संबंध इस चिन्ह के कारण कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहता, संबंधों में परेशानी बनती है और कहीं ना कहीं पुरुषों के अंतर्गत ये विवाह की भी इच्छा को ख़त्म कर देता है। और साथ ही स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ इशू, मतलब स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी दे सकता है और ये कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति गलत तरफ इसका पूरा झुकाव चला गया व्यक्ति का, तो व्यक्ति को जेल या बंधन और या अपयश जिसे कहें वो भी दे देता है। तो इस तरीके की संभावनाएं बनती है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी नेगेटिव चिन्ह होता है। अब देखिए, जिन व्यक्तियों के हाथ में इस तरीके का चिन्ह पाया जा रहा है, तो एक तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि इसमें रेमेडी के तौर पर यही उपाय करना है कि तो गलत कार्य को करने से दूर रहें, साथ ही आपको गुरु के चरणों में जाकर, मतलब जो भी आपके जिनको आप गुरु मानते हैं उनके पास जाना चाहिए, थोड़ा समय उनके पास बैठिए, उनकी गुरु की दृष्टि के सामने जब आप रहोगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव दूर होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही समय बाद ये दूर भी हो सकता है, मतलब मिट भी सकता है। साथ ही शिवालय में जाकर आप शिव जी पर जल अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कीजिए और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइए। ऐसा करने से ये जाल का जो नेगेटिव प्रभाव भी है ये भी खत्म होगा, कम हो सकता है, साथ ही कुछ समय बाद हो सकता है कि चिन्ह भी आपका मिटना शुरू हो जाए।
तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।